हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट। आज हम चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, व्हाट इज द मूवमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज मूवमेंट। मूवमेंट क्या है स्टूडेंट? मूवमेंट क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मूवमेंट मूवमेंट क्या है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन दैट इज नोन एज मूवमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि पोजीशन चेंज हो जा रही है, इसके चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मूवमेंट। जैसे एक चौक है, इसकी पोजीशन अगर हम इसको मूव करा दें तो इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज मूवमेंट। तो हम लिख सकते हैं द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मूवमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि स्थिति चेंज हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? मूवमेंट कहेंगे। जैसे हमारे हैंड्स को हम ले लेते हैं, एक पार्ट्स को, हैंड्स को क्या कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं, चारों ओर इसको मूव कर रहे हैं। इसकी पोजीशन यहाँ है, इधर कर रहे हैं, इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो जा रही है। हार्ट बीट अप और डाउन हो रहा है, तो इसकी पोजीशन मूव कर रहा है, तो इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जिनका स्थिति चेंज हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मूवमेंट की श्रेणी में रखते हैं। एक वर्ड और आता है स्टूडेंट, लोकोमोशन और मूवमेंट में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोकोमोशन क्या है? व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म मूव वन प्लेस टू अनदर विथ होल बॉडी, पूरे बॉडी के साथ। जैसे सपोज मैं यहाँ से मूव करके यहाँ आ जा रहा हूँ होल बॉडी के साथ, यह मूवमेंट हमारा लोकोमोशन कहलाता है। यानी किसी होल बॉडी के साथ हम वन प्लेस से अनदर प्लेस पे चले जाते हैं, तो स्थिति तो चेंज हो रही है, होल बॉडी के साथ हम जा रहे हैं, तो यह स्थिति क्या हो रही है? लोकोमोशन। और मूवमेंट में हम क्या है? अपने हाथ को हिला रहे हैं, हमारा हेड हिल रहा है, हमारे आर्गन से स्थिति बदल रही है, लेकिन वो होल ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे स्थान पर हम नहीं मूव कर रहे हैं, प्लेस भी नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन लोकोमोशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद होल बॉडी। तो हम कह सकते हैं चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, कह सकते हैं द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विद होल बॉडी, विद होल is known as locomotion, is known as locomotion. यदि किसी वस्तु की स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लोकोमोशन कहेंगे। कोई आदमी इस एक प्लेस से पूरे होल बॉडी के साथ मूव कर रहा है, तो उसे हम लोकोमोशन कहेंगे। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में ढेर सारे हमारे आर्गन्स हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो ये आप लोकोमोशन और मूवमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे हैंड्स हैं, तो इस हैंड्स को मूव करने में कुछ बोन्स जो होती हैं, कुछ बोन्स हेल्प करती हैं।
करती हैं, कुछ ज्वाइंट्स होते हैं, कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जो उसको मूव कराने में हेल्प करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जो आप देखते हैं जैसे कि हमारा हैंड्स है, हैंड यहाँ से हम आसानी से मूव कर रहे हैं, इसी तरह से हम अपने पैर को, गर्दन को, हाथ हर पार्ट को मूव कर रहे हैं, कुछ भी कुछ ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं। तो दो या दो से अधिक हड्डियाँ एक स्थान प्लेस पे आकर मिलती हैं और वो जो प्लेस होता है उनके मिलने का वही ज्वाइंट होता है। तो हम इसके अगले हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज ज्वाइंट, ज्वाइंट के बारे में। ज्वाइंट्स व्हेन टू बोन्स आर मीट टुगेदर, जब वह प्लेस या हम कह सकते हैं द प्लेस वेयर टू बोन्स आर मीट, द प्लेस वेयर वेयर टू आर मोर मोर बोन मोर टू आर मोर बोन ज्वाइंट टुगेदर टुगेदर इज नोन एज ज्वाइंट। स्टूडेंट वह प्लेस जहाँ एक या एक से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं वह प्लेस हमारा ज्वाइंट कहलाता है। हमारे बॉडी में ढेर सारे ज्वाइंट होते हैं तो उनके वर्क के अनुसार, उनके मूवमेंट के अनुसार हम ज्वाइंट्स को भी कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब है हमारा पार्ट्स ऑफ ज्वाइंट्स या टाइप ऑफ ज्वाइंट्स, टाइप ऑफ ज्वाइंट्स, टाइप ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट को डिस्कस करें, पहला ज्वाइंट है हमारा फिक्स ज्वाइंट, दो तरह के हैं ज्वाइंट, हमारा है फिक्स ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट जैसा कि नाम है फिक्स मींस स्थिर, द ज्वाइंट वन ज्वाइंट जो फिक्स होता है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, जो मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, दैट टाइप ऑफ ज्वाइंट इज नोन एज फिक्स ज्वाइंट। दिस ज्वाइंट आर फाउंड इन आवर स्किल, हमारे स्किल स्कल जो भी होती है उसमें जो ज्वाइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव नहीं करते, और हमारे माउथ का जो अपर जाव होता है यह ज्वाइंट फिक्स ज्वाइंट हमारे स्कल में पाया जाता है, स्कल जो खोपड़ी होती है स्कल में, और हमारे जो अपर जाव है अपर जाव की जो बोन्स होती है, अपर जाव की बोन्स में ये दोनों ज्वाइंट पाए जाते हैं, ये मूवेबल नहीं होते, मूव नहीं करते, तो इसलिए इन्हें हम फिक्स ज्वाइंट करते हैं। दूसरा ज्वाइंट है हमारा मूवेबल ज्वाइंट्स कर सकते हैं, मूवेबल ज्वाइंट जैसा कि नाम से पता है द ज्वाइंट्स विच हेल्प इन मूव, वे ज्वाइंट्स जो मूव करने में हेल्प करते हैं, दैट ज्वाइंट्स इज नोन एज मूवेबल ज्वाइंट्स, जो ज्वाइंट्स मूव करने में हेल्प करते हैं उस ज्वाइंट को हम मूवेबल ज्वाइंट्स करते हैं। मूवेबल ज्वाइंट्स कई प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट ज्वाइंट्स हैं उनको हम देखते हैं, तो अब इसको इरेज करते हैं, मूवेबल ज्वाइंट्स के बारे में हम देखते हैं। मूवेबल ज्वाइंट्स क्या है, मूवेबल ज्वाइंट्स में पहला ज्वाइंट है हमारा आपका बार एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, पहला हम देखते हैं बार एंड सॉकेट ज्वाइंट, बार एंड सॉकेट ज्वाइंट। दूसरा ज्वाइंट है आपका प्रीमोटर ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट है हमारा हिंज ज्वाइंट,
एंड ड्रम्स। चौथा है हमारा ग्लाइडिंग ड्रम्स, ग्लाइडिंग ड्रम्स। ये चार तरह के ज्वाइंट्स हैं। अब इनकी स्थिति कैसी होती है, स्ट्रक्चर इसको हम देख लेते हैं। बॉल, ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है हमारे शोल्डर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, शोल्डर में होता है। कहाँ, शोल्डर की एग्जाम्पल हम लेते हैं शोल्डर। शोल्डर की जो बोन होती है एक बॉल बॉल जैसा होती है, और ये बोन आगे इसमें क्या होती है, फिट हो जाती है। बॉल जैसा होगा, खोखला होगा, और इसी में एक दूसरी बोन्स आगे क्या होगी, बैठ जाएगी। और ये क्या करेंगी, हम अपने बोन्स को आसानी से इधर उधर कर सकते हैं। तो ये ज्वाइंट्स हमारी जो शोल्डर में होती है, और कहाँ होती है, तो शोल्डर में, और ये जो हमारे हिप है इसको भी, अपने पैरों में जो थाई और हिप के बीच का प्लेस है वहाँ भी ये ज्वाइंट्स पाया जाता है। दूसरा है हमारा पिवोटल ज्वाइंट। पिवोटल ज्वाइंट्स जो होता है ये हमारे जो स्कल और हमारा जो नेक है इसके बीच जो पोजिशन होता है, ये क्या होता है, हम इसको साइड वाइज, इधर साइड वाइज और अप डाउन मूव करा लेते हैं। तो ये जो ज्वाइंट्स होता है हमारे स्कल और हमारे नेक को जो होता है, उस ज्वाइंट को हम पिवोटल ज्वाइंट कहते हैं। कहाँ पाया जाता है, हमारे नेक में। नेक्स्ट है हमारा हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट्स जो है, जैसे आपके डोर का हिंज होता है, कब्जा होता है, उसी तरह से वर्क करता है यह ज्वाइंट। 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक मूव कर सकता है। जैसे हमारे हाथ में देखें, हाथ की जो बोन होती है इसको हम ऊपर नीचे करते हैं और इससे ज़्यादा यह मूव नहीं होता, वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट होता है। तो इस ज्वाइंट को हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं। ये ज्वाइंट्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हाथों में पाए जाते हैं, हमारे पैर के उसमें बोन में पाया जाता है। नेक्स्ट ज्वाइंट है हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट हमारा कहाँ पाया जाता है, हमारे जो टखने होते हैं उनके बीच, इसका भी मूवमेंट क्या होता है, बोन्स को स्लाइड, हमारी जो बोन होती है स्लाइड होती है। तो ये हमारे उसमें और हमारे इसमें एक तरह से स्लाइडिंग का काम करते हैं। तो हमारे रिस्ट में और हमारे पैर के जो टखने होते हैं उनमें ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाए जाते हैं। तो ओके स्टूडेंट, इतने तरह के हमारे ज्वाइंट हैं, इसको आप देख लें। ओके बाय।